जी, कुछ दिनों में धनतेरस का पर्व आने वाला है और माना जाता है कि धनतेरस में कुछ न कुछ खरीदारी अवश्य करनी चाहिए ताकि इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा जातक के ऊपर सालों भर बनी रहती है। जो लोग गाड़ी या फिर सोना चांदी आभूषण महंगी वस्तुएं नहीं खरीद पाते हैं, उन्हें क्या खरीदारी करना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए? हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। धनतेरस को आदमी कुछ न कुछ सामान खरीदता है, तो ज्यों ही धनतेरस हम बोलते हैं त्यों ही लगता है कि कुछ खरीदना चाहिए। क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि उस दिन यदि हम कुछ खरीदते हैं तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए सभी को माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए धनतेरस को कुछ न कुछ धातु खरीदना चाहिए। उस दिन बहुत लोग गाड़ी खरीदते हैं, सोना चांदी इत्यादि खरीदते हैं, तो कहने का मतलब यह है जो गाड़ी नहीं खरीद सके, सोना चांदी नहीं खरीद सके, तो घर में कम से कम एक चांदी का सिक्का अवश्य खरीद लें, सिक्का लाकर के घर में रखें, क्योंकि धनतेरस है वह आपका भविष्य निधि में जमा रहता है। इसलिए भविष्य निधि को देखते हुए घर में कुछ न कुछ लाना चाहिए, और यदि आप नहीं ला सकते हैं तो विशेष रूप से गृह लक्ष्मी जो है आपके घर की झाड़ू सफाई करने वाला, आप उस झाड़ू को ही खरीद के लाएं, लेकिन विशेष रूप से शुभ मुहूर्त में आप खरीदारी करें और शुभ मुहूर्त के साथ आप अपने घर में झाड़ू निश्चित रूप से लाएं। इनको खबर आर बढ़ी।